कोरोना की दूसरी लहर लगातार भयावह होती जा रही है। देश में आज कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड बना है। देश में कोरोना के एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले आज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में इतने प्रतिबंध लगने के बावजूद मुंबई और पुणे में कल 10,000 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में 5,000 केस आने के बाद नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। अब सबकी उम्मीदें वैक्सीनेशन से ही हैं। देश में अब हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा रही है, लेकिन ये चार तस्वीरें बता रहे हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति किस तरीके से है। हर दिन कोरोना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में एक बार फिर से मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 1,00,000 मामले सामने आए हैं और इसके बाद हालात बेकाबू होते हुए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड बन गया है। 24 घंटे में 1,15,000 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इस दौरान 630 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,15,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो बता रहे हैं कि स्थिति भयावह है और हमें संभलने की जरूरत है। एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना, इसे देश में दूसरी लहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अलग अलग राज्यों से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और वो भी बड़ी संख्या में। देश में ही अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड टूट गया, 1,15,000 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 630 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, बावजूद उसके लोगों से लगातार सरकारें अपील कर रही हैं, राज्य सरकारें अपील कर रही हैं, केंद्र सरकार अपील कर रही है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और इसके अलावा भी जो कोरोना नियम बनाए गए हैं, किसी भी ऐसी जगह पर जाने के लिए जहां पर भीड़ ज्यादा हो सकती है, उन तमाम नियमों का आप पालन करते रहें। देश में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या स्थिति है। 3 अप्रैल को 89,129, उसके बाद 4 अप्रैल को 93,000 से ज्यादा केस, 5 अप्रैल को 1,03,000 से कुछ ज्यादा केस, 6 अप्रैल को कुछ गिरावट दर्ज की गई थी, 96,000 केस आए थे, लेकिन आज एक बार फिर से सर्ज देखा गया और 1,15,000 से ज्यादा मामले देश में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर 55,000 नए मामले सामने आए हैं। यूं तो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन खास तौर पर मुंबई और पुणे में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंबई में कल 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि पुणे में भी एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पुणे में ब्लड बैंकों में खून की कमी शुरू हो गई है, क्योंकि प्लाज्मा की जरूरत होती है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने गरीबों और मजदूरों की रोजी रोटी पर एक बार फिर से संकट खड़ा करना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के कई मजदूर ट्रेनों से अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। ये तीन तस्वीरें जो बता रही हैं किस तरीके से कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं, भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, सामाजिक दूरी का कोई पालन हो नहीं रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें देश के सबसे ज्यादा 10 प्रभावित जिलों की, तो उसमें 7 केवल महाराष्ट्र के हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पुणे के ब्लड बैंक में अब खून की कमी हो रही है। पुणे के जन कल्याण ब्लड बैंक का कहना है कि आमतौर पर वो 15 से 20 दिन का स्टॉक अपने पास रखते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 से 6 दिनों का ही उनके पास स्टॉक बचा है, जो ये अपने आप में बताता है कि स्थिति खराब होती जा रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ब्लड बैंक में खून की कमी होना अपने आप में संकट की स्थिति है। पुणे के जन कल्याण ब्लड बैंक का कहना है कि आमतौर पर हमेशा उनके पास 15 से 20 दिन का स्टॉक खून का रहता है, ब्लड का रहता है ब्लड बैंक में, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 से 6 दिनों का ही स्टॉक उनके पास बचा है। जन कल्याण ब्लड बैंक जो पुणे का सबसे बड़ा ब्लड सेंटर है, उसमें हम देखते हैं कि हर महीने में इस समय हमारे पास 1,500 तक ब्लड के यूनिट्स रहते हैं, जो अभी अराउंड 400 से 500 तक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/3 स्टॉक अभी हमारे पास है। यूजुअली हम 3 हफ्तों का स्टॉक जो है वो रखते हैं, ताकि कभी कोई शॉर्टेज ना आए। लेकिन अभी जो हम हमारे सेंटर में भी देख रहे हैं और पुणे शहर में भी देख रहे हैं, सब जगह पे 1 हफ्ते से कम का स्टॉक अभी सब जगह है। तो इसीलिए ये एक संकट के रूप में हमारे सामने आ सकता है पुणे शहर के सामने। हालात बेकाबू न हो, इसको लेकर लगातार राज्य सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि वो जो तमाम पाबंदियां हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बावजूद भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं है। दादर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हूँ। सुबह का वक्त है और दादर सब्जी मंडी, जहाँ सुबह सुबह पूरे मुंबई से लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, थोक विक्रेता यहाँ तमाम है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सुबह के समय भीड़ होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ भीड़ कम होती है, क्योंकि सब्जी मंडी सुबह 9-10 बजे के बाद बंद होती है। लेकिन इस सब्जी मंडी में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और मुख्य सड़क पर भी, सब्जी मंडी के अलावा मुख्य सड़क पर भी देखिए, जहाँ पर सब्जी के दुकानें लगाई जाती हैं
वहाँ भी किस प्रकार से आपको भीड़ नजर आएगी? देखिए, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, एक ही दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर बड़ी ही चिंताजनक है। सरकार द्वारा आंशिक लॉकडाउन लागू करने और नियमों को सख्त करने के बावजूद इस प्रकार की तस्वीरें बहुत सामान्य हैं। गली गली में जो दुकानें हैं वहाँ इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जहाँ भी एक छोटी दुकान लगती है वहाँ पर एक झुंड खड़ा हो जाता है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और आगे देखिए, जो दुकानें हैं, टमाटर की दुकान हो, धनिया की दुकान हो, इसी प्रकार से भीड़ नजर आती है। क्या हुआ, कैमरा देखकर आप मास्क ऊपर कर रहे हैं? मास्क ऊपर नहीं कर रहे, ऊपर ही लिया था मास्क। हमने देखा आपको, आप मास्क नीचे लगाए थे। देखिए, हंस कर टाल रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आप मास्क नीचे किए हुए थे। कैमरा देखते इन्होंने फिर मास्क ऊपर कर लिया और इसी प्रकार से आपको जगह जगह लोग नजर आ जाएंगे जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते। काका, मास्क तो लगा लीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप, इस प्रकार से लोग हैं जो मास्क को नीचे लगाकर खींचकर रखते हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका ने 50 करोड़ रुपए वसूले हैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से जो लोग मास्क ठीक से नहीं पहनते या मास्क नहीं पहनते। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात है, लोगों को जागरूक होना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल दूरी का पालन करना होगा और प्रशासन को भी अब अगर सख्ती लानी है तो उसे ज़मीन पर भी नजर आए ऐसी स्थिति में लाना होगा। कैमरामैन कृष्णा खाबरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखा आपने मृत्युंजय की रिपोर्ट से, आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात हैं। दादर में ही जो रिपोर्ट ये लेकर आया उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने ठुड्डी पर मास्क लगाया हुआ था और ऐसे कोरोना कंट्रोल में नहीं आने वाला। कोरोना की वजह से पलायन की तस्वीरें फिर आई शुरू हो गई हैं। मुंबई से हजारों की संख्या में उत्तर भारत के मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। देखिए संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। खतरनाक तरीके से मुंबई में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते फिर एक बार कोरोना की सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन अलग अलग तरह की सख्तियां लगा रहा है जिसके चलते काम धंधे फिर एक बार ठप होने पर हैं और असर पड़ा है सीधे सीधे उन कामगारों पर जो देश के अलग अलग कोने से मुंबई में काम करने के लिए आते हैं। देखिए, LTT स्टेशन है ये, इस स्टेशन से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर भारत के लिए, बिहार के लिए जाती है और यहाँ पर आपको जमावड़ा दिखाई देगा लोगों का। आमतौर पर भी लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, पर क्योंकि फिर एक बार लॉकडाउन की आहट है, फिर एक बार काम धंधे ठप हो रहे हैं तो जो मजदूर है, जो काम करने वाला वर्ग है, स्टेशन पहुंच रहा है। देखिए, सामान लेकर वापसी की पूरी तैयारी में जो भी यहाँ पर घर गृहस्थी है मुंबई में काम करने वालों की, मजदूरों की, सब पैक कर लिया है, वापस जाने की तैयारी है। चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं काम करने वाले उस वर्ग के लिए जो देश के अलग अलग कोने से मुंबई में आता है और उसका ही डर है कि फिर एक बार रेलवे स्टेशनों पर जमाव होने लगा है काम करने वाले मजदूरों का जो वापस अपने गाँव घरों के लिए जाना चाहते हैं। केरवसन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। ये सही समय है संभलने का क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए निकाय चुनाव, किसान आंदोलन और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों को जिम्मेदार बताया है और सबसे बड़ी वजह बताया है। ये बात उन्होंने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कही। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत कुछ कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इन 11 राज्यों में कोरोना के कुल मामलों का 54% है जबकि देश में हुई कोरोना संक्रमण से मौत में 65% इन राज्यों में है। वहीं पॉजिटिविटी भी इन राज्यों में बढ़ी है, यानी कोरोना पेशेंट्स की पॉजिटिविटी रेट भी इन राज्यों में बढ़ी है, खासकर महाराष्ट्र में करीब 25% और छत्तीसगढ़ में 14%। इसके अलावा फरवरी 2021 से इन राज्यों में मामलों में भारी इजाफा हुआ है। पंजाब के अंदर 80% UK वेरिएंट के कारण केसेस पाए गए हैं। ये इवेंट ड्रिवन काफ़ी बड़ी तादाद में है, बड़ी बड़ी शादियां, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, किसानों का आंदोलन इत्यादि, संभवतः ये भी कारण उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। लापरवाही केवल महाराष्ट्र में नहीं दिल्ली में भी दिखाई दे रही है, जहां देश की राजधानी में गाजीपुर मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लोगों के पास एक से एक जवाब है मास्क न पहनने पर। राजधानी में स्थिति ये आ चुकी है कि नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है, लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू मात्र लगाने से स्थिति में सुधार आएगा? क्या दिन में जो स्थिति है वो ऐसी है कि जिससे कोरोना जो है वो काबू में आए, कंट्रोल में आए? क्या इतना जो है लोग इतनी सतर्कता बरत रहे हैं? क्या इतने नियम कानूनों का पालन हो रहा है ताकि मास्क जो है कम से कम वो लोग लगा कर करके जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका कितना पालन हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम दिखाने के लिए
कि सतर्कता कितनी है, लापरवाही कितनी है। हम आए हैं दिल्ली के गाजीपुर मंडी में। गाजीपुर मंडी के बारे में सबको पता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है ये। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, आपको भीड़ भी नज़र आएगी और भीड़ के साथ साथ आपको ये भी नज़र आएगा कि लोग मास्क में नहीं है। आपका मास्क भी ठीक से नहीं। मैडम जिंदगी भर मास्क लगा लगा के कब तक दम घुट रहा बोल जाओ ना। बचाव कैसे होगा कोरोना? अब मैडम बचाव के लिए कि सरकार को देखना चाहिए जो भी है। भैया आपको लगता है कोरोना खत्म हो गया कि अभी है कुछ? नहीं है, कोरोना तो अभी खत्म तो नहीं हुआ, क्या है कोरोना। इस तरह से भीड़ भाड़ में और मास्क भी आपका बहुत ढंग से नहीं लगा हुआ, आपको नहीं लग रहा इससे परेशानी होगी? नहीं परेशानी तो है, एक्चुअली सावधानी तो है, पर लेकिन जो कम पड़े रही आदमी को बेचारा कैसा लगा, सब देखो कितने नहीं लगा रहे, कितने लगा रहे हैं। जो समझदार है वो लगा रहा, जो ना समझ रहा है वो नहीं लगा पा रहा। कोरोना आपको क्या लगता है कि खत्म हो? कोरोना खत्म की तो पता नहीं है, चल तो रहे हुई है। आप ये जो जैसे मास्क आपने ठीक से नहीं लगाया, तो आपको नहीं लग रहा आपको बीमारी हो सकती है? अब कितनों लगा, मैं ग्राहक ने सामान बताया मैं कि सांस ले में कहा करें। कोरोना से जुड़े जो नियम है जिस तरह से उसका उल्लंघन करते हैं, यही कारण है कि एक बार फिर से दिल्ली में केसेस तेजी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो कुछ ऐसी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आ रही हैं, जहां लोगों ने मास्क न पहनने पर कहा कि दम घुटता है मास्क पहनने पर, और किसी का कहना है कि सरकारें देखी कि क्या करना है। हम आपको मुंबई लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहां से मौजूद है हमारे साथ, और दिल्ली में हमारे सहयोगी अंजलि भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। मृत्युंजय, दादर से जो तस्वीरें आपने दिखाई वो डराती है, हैरान करती है, परेशान करती है। पाबंदियां लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जो कोरोना नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उनका भी पालन नहीं करना? निश्चित तौर पर प्रतिमा, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लोगों को यह भी समझना होगा कि प्रतिदिन जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। देखिए, एक तरफ आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, पिछले 3 दिनों में 30,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सिर्फ मुंबई में पाए गए हैं, और पूरे मुंबई में जो अस्पतालों में कोविड अस्पतालों में बेड की क्षमता है वो 15,900 है। तो 15,900 पूरी क्षमता है, यानी कि बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और यहाँ लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब्जी मंडियों की हालत है। सब्जी मंडियाँ सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती हैं और 8-9 बजे तक इसी प्रकार की भीड़ होती है। तब तक ना प्रशासन के कोई अधिकारी आते हैं और ना ही कोई कर्मचारी नजर आते हैं। देखिए, मैं इस वक्त लोअर परेली इलाके में हूँ। आज जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आंशिक लॉकडाउन हम कह सकते हैं इसे मुंबई में, उसका फर्क यह है कि थोड़ा आज सड़कों पर गाड़ियाँ काफ़ी कम हुई हैं, लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं। लोकल ट्रेनों में भी हमने देखा कि थोड़ी संख्या कम हुई है, लेकिन जो सब्जी मंडियाँ हैं, इस प्रकार की जगह है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ अभी भी भीड़ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को उसके लिए कोई विकल्प तैयार करना होगा। पिछली बार जब कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े थे, तब प्रशासन ने खुले मैदानों में इन सब्जी मंडियों को शिफ्ट किया था। कुछ इस प्रकार के विकल्प पर विचार करना होगा, वरना इसी प्रकार से केसेस बढ़ते जाएंगे। जो कि महाराष्ट्र, जो कि अब दुनिया के पटल पर आ गया है कि सबसे ज्यादा केस यहां से आ रहे हैं, तो बड़ी भयावह स्थिति भी आ रहा है। बिल्कुल, दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। अंजलि सिंह हमारे साथ वहां से मौजूद है। अंजलि, दिल्ली में तो नाना करते सरकार को नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे। जी देखिए, बिल्कुल प्रतिमा, और आपको बताएं, लोगों को भी ये समझना होगा कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। अकेले मार्च के महीने में जहां 23,000 से ज़्यादा केस आए थे, वहीं अप्रैल के 6 दिनों की बात करें तो 22,000 के ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी अकेले 6 दिनों में 22,000 से ज़्यादा केस आए हैं, और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो इम्पोज कर दिया। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, कई लोग इसको बहुत कारगर नहीं मानते, लेकिन इसके साथ जिस तरह से लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी भागीदारी भी शासन के साथ साथ इसमें काफी अहम साबित होगी। यही वजह है कि लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहने। अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन दिन में जो लोग निकल रहे हैं, अगर वो इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो कहीं से भी वाकई ये देखा जाए तो ये कारगर नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सख्ती भी पिछले दिनों में बढ़ाई गई है, लेकिन सख्ती और ज्यादा बढ़ाने की अभी जरूरत है, क्योंकि जब हम मार्केट विजिट करते हैं या अन्य ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, तो वहां पर लोगों का ये जो ढुलमुल रवैया इन तमाम प्रिकॉशंस को लेने का, वो साफ तौर पर नजर आ। बिल्कुल अंजलि, आप लगातार नजर बनाए रखे, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। तो कोरोना को लेकर देश भर में स्थिति भयावह है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तो देश भर में एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है कोरोना। बात करें दिल्ली की, तो यहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इस बीच अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। ये नाइट कर्फ्यू मंगलवार से लागू किया जा चुका है। सड़क पर पसरा सन्नाटा और गश्त करती पुलिस। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश का असर दिखना भी शुरू हो गया है।
कनॉट प्लेस में सन्नाटा पसरा हुआ है, अंधेरा पसरा हुआ है और जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि कैसे नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और वो अपने घरों के अंदर ही रहें। नाइट कर्फ्यू में जिन्हें छूट मिली है उन पर भी नजर डाल लीजिए। नाइट कर्फ्यू में ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। वैक्सीन लगवाने वालों को ई पास लेना होगा। राशन, किराया, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को ई पास लेना होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ई पास जरूरी होगा। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाना होगा। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो देश में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार को चौंकाना कर दिया है। बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालात किस तरीके के हैं इन तीन तस्वीरों के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में कल सबसे ज्यादा एक दिन में 49 केस सामने आए। इलाके में धारा 144 लगने के बाद भी सब्जी मंडी में भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्क को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर आज सुबह सत्याग्रह स्थल पर योग किया। शिवराज सभी से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं और उसी की तस्वीर है ये। तीसरी तस्वीर शिवपुरी से है। चौंकाने वाली खबर यहां से आई है। वहां अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 4 कोरोना संक्रमित मरीज भाग गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कर लिया है। तो यानी एक बार फिर से हम एक साल पुरानी तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच ये देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि आप मास्क लगाइए और इसीलिए योग करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ा रहा है। कोरोना लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें यहां से सामने आ रही है और खुद राज्य के मुख्यमंत्री योग करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए और कोरोना को भगाइए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।